मम्मी का है जी, सुनील दत्त का बेटा जब संजय दत्त बन सकता है तो संपूर्ण आदमी श्री का बेटा संजय मिश्रा नहीं बन सकता है। कुछ कहिए, किसी को कोई काम धाम दे दे इसको। प्रेमचंद्र के भतीजे कृष्णा राय के यहाँ मुझे पढ़ने भेजा गया। अच्छा, दिल्ली टू कन्हैया की नगरी बेगूसराय। अच्छा, हाँ बुझो हाँ भाई वो ऐसा वहाँ का थोड़ा बेगूसराय की भाषा जो है अलग ही है। कुछ पर नहीं है, पूछ क्या रहा है, दही जमा नहीं ऐसा लग रहा है कि बम फूटा क्या हो। लेकिन मन नहीं लग रहा था मम्मी पापा के बिना इस चीज को कैसे तोड़े। कुर्बानी पिक्चर आई थी। अच्छा, तुझसे ये बेल बॉटम देख रहा, मैंने बेल बॉटम इसीलिए इसी बेल बॉटम बूट्स फिरोज खान आज जाने अंग्रेजी बोलना नहीं आती लेकिन अंग्रेजी चीजें पसंद। अच्छा, एक लौंडा था उसके बाद वैसा बूट, सबसे पहले बूट पे नजर पड़ी। अच्छा, फिर प्लान बना कि यहाँ से भागो, अंकल को कह दो आंटी बोल रही है जाओ 20 रुपए दे दो, आंटी को बोल दो अंकल कह रहे हैं जाओ 20 रुपए दे दो, ठीक है। और ये जूते पे निगाह, उस दोस्त मेरा कहीं भी होगा मैं उसका जूता चुराया हूँ, समझे, चुराया क्या था, मांगा था। अच्छा, मांगा। हाँ, आज रात में ना घर में मेहमान लोग आ रहे हैं समझ रहे हो, तो अच्छा नहीं लगेगा, देखो मेरे माँ बाप यहाँ नहीं है, हाँ बउआ देख लो लौटा दोगे, हाँ हाँ ओहो पापा बहुत मारेंगे, हाँ नहीं लौटा देंगे, जूता कल बॉटम कुछ सामान किताबें तो उठाने वाला नहीं था, एक दो चीज रख के खड़ा 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 बेगूसराय के सड़क पर राजा फिरोज खान निकल पड़ा है, बूट उधार की घर से झूठ बोल के सिगरेट पीता था फिरोज खान, अपना और फिरोज खान निकल पड़ा ढका ढका ढका, और जूता बहुत अनकंफर्टेबल होता है लेकिन फिरोज खान को गुस्सा नहीं करता, ढका ट्रेन पकड़ लिए, ट्रेन पकड़ के सब्जी वालियों के साथ अलग अमिताभ फिरोज खान बैठा हुआ है, ढका 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 ढका, कोई पूछी भी यहाँ बउआ घर से भाग के आ रहे हो, नहीं 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 जा रहे हैं दादी के यहाँ, अच्छा जूता बहुत बड़े ओ जूता ठगा 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 ठगा, बोलो वो आ गए टिकट चेकर वेकर, पैसा टिकट का ये नहीं है, सिगरेट खरीद दिए थे, फिरोज खान सिगरेट पीता है लेकिन फिरोज खान टिकट देता है कि नहीं देता इस बात पर नहीं चर्चा थी, उधर थी फिरोज खान जा रहे सर, नहीं सर जा रहे सर बैगवा दे देते थे सर, तो बैग लेके भाई साहब चले ठगर ठकर ठगर, ए रिक्शा राजेंद्र नगर चलोगे, पैसा कहाँ है 10 रुपया है, अच्छा है रिक्शा राजेंद्र नगर चलोगे, क्या पगला गए हैं, 70 किलोमीटर होगा कम से कम, करे कहा रोते धोते ऑटो मोटे पकड़ते हुए कोई बच्चा समझ के, एक बात है एक हमारे देश में ना यंग बच्चों को ना चल ठीक है माफ करे माफ करे, और बिहार में ही बड़ा था विद्यार्थी है सर थोड़ा सा माफ, पहुंचे दूध ही वाला घर में देने ही वाला था दूध लेके आने वाला, हम कह जरा सा दूध, फिरोज खान ने दूध पिया मुंह में भरा रहा, दादी दरवाजा खोली, अरे संजुआ की उल्टी होगी, तुम आए कब, पहले उल्टी क्यों कर रहे, ड्रामा 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 माहौल माहौल दूध, उनको लगा भाई उल्टी कर रहा सफेद निकल लिया, संभुआ मार देगा इसको, बोले कहीं नहीं पड़ेगा मेरे साथ रहेगा फिरोज खान, मौसी आप तो मेरे दोस्त को गलत समझती हो, फिर देखे माहौल शांत हुआ, फिरोज खान जूता खोले और गर्व क्या है ऑस्कर जीत के आए, वाह 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 वाह, यहाँ पर चोरी का एहसास गर्व में बदल गया, गर्व में बदल गया अब तो राजेंद्र नगर में आगे ना जूता, अच्छा नंबर रोल बउआ, शंभू को तुरंत फोन लगाओ, मार दोगे तुम इसको, घर का बड़ा लड़का है,
कितना उल्टी किया है। हमको तो लग रहा है बिकोलाई हो गया, उन दादी को मेरे सब नाम बड़े याद थे। हाँ, जितने बीमारी सबके नाम याद। ये हो गया वो। ये अकल कैसे आई कि वो दूध वाले से? वो बस वहीं पे जो एक्टिंग और ये ब्रिलियंट है। हाँ, वो एक्टिंग में जो आ जाती है, ला भाई दल्ला और बूम। तो कहें आपने तो स्क्रिप्ट में लिखा नहीं था, कैसे कर लिया? माहौल वाले आदमी है ना, माहौल। चलो भैया हो गया, तो पढ़ाए कहाँ? वापस दिल्ली। दिल्ली कब? यहाँ से सीधे कहाँ पहुंचे? ओए मैं क्या कह रहा हूँ, ओए तू समझे, ओ तू, ओ मैं, ओ तेरे। रॉकी रिलीज हुई थी। अच्छा, रॉकी रिलीज हुई थी। मेरा नाम मम्मी का है जी सुनील दत्त का बेटा। जब संजय दत्त बन सकता है तो संपूर्ण आदमी श्री का बेटा संजय मिश्रा नहीं बन सकता है। कुछ कहिए, किसी को कुछ काम धाम दे दे इसको। चलो स्कूल का टाइम हो रहा है, स्कूल का टाइम, पराठा सब्जी सब कुछ। अच्छा, लेके भाइयों बहनों के साथ टाक 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 नहा के टाक टाक स्कूल। लेकिन वो स्कूल में जो फिर सिखाएगा। कौन सा स्कूल है? केंद्र विद्यालय गोल मार्केट। अच्छा, यहाँ क्या, क्या क्या उम्र थी? उम्र यही कोई अपना 20-20 के, 20 से थोड़ा अभी भी स्कूल में थे। 20 होगी। काफी मतलब शिक्षा व्यवस्था से काफी जुड़ाव रहा है, है? जुड़ाव नहीं रहा है मेरा, वो गुस्सा रहा है और आज भी मेरा गुस्सा है स्कूलों को। जी आपने मुझे क्या सिखाया और क्या बनाया? आपने मुझे ये सिखाया, ये जो आपने मुझे सिखाया, जो मेरा वक्त लिया, ये बनाया आपने मुझे। कि प्रमाण की जरूरत है तो भगवान भरोसे। गोल मार्केट केंद्र विद्यालय। घर से निकलता था, ताल कटोरा गार्डन में जाके बैठ जाता था। ठीक है, तो घूमने के लिए अंदर गए तो एक मेरे यहाँ कभी नौकर था, तो अब यहाँ वो हो गया, जो आइए इनका बारी, इनका इनका इनका, सुबह आए थे शाम में, काम करो। अच्छा, ये वो हम कहते जय हिंद तुम। हाँ भैया आपके यहाँ छोड़े उसके बाद यही। आप सिगरेट पीते हो ना अभी भी? नहीं अभी उतना नहीं, लेकिन तुम्हारे पास है, लाओ। अरे जय हिंद, देखो गुरु हम स्कूल के लिए निकलते हैं 8:30 बजे और तुम्हारे यहाँ काम शुरू होता है 9 बजे। तो हम अगर 9 बजे आए तुम्हारे पास और 4:30 बजे तक चल जाए, उसके बीच में तुमको जय हिंद, अब अपने ही नौकर से आप बात करें, उसके बीच में तुमको हमसे जो काम कराना हो तो, जो काम कराना हो तुम मुझसे करा लेना, बस मुझे 5 रुपया मिलेगा पर डे, 1 रुपये का 4 रोटी तंदूरी। अरे वो साउंड बड़ा मजा आता था, वो तंदूर फिर मिला नहीं, टाक चिक टाक चिक, और एक फ्री दाल। सामने से एक राजस्थान की कमली गुजरती थी पत्थर लेकर के, लगा अब एक ही एम है ये मजे। और लोहा मोड़ता था मैं सरिया, हाँ, घर का स्कूल का कपड़ा उतार के रख दू, एक ऐसा गमछा पकड़ लू और सरिया मोड़ता था, जैक बनाना होता था ऐसे। अच्छा। तो जैक बनाना, वो कमली पर सब कुछ कुर्बान, बेताब पिक्चर है। एक दिन ऐसे ही मोड़ रहे थे, अपना अपना डिब्बा खाने का कमली को दे देता था मैं। अच्छा, खाली उससे पहला लव यू व्यू नहीं बोले थे, खाली इतने ही कहा था साथ खाएं बस, और दोनों हम लोग साथ खाते। तो एक दिन ऐसे ही सरिया मोड़ रहे थे, पिताजी प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो में थे, अच्छी पोस्ट पे थे, प्रिंसिपल इंफॉर्मेशन ऑफिसर थे, तो उन दिनों इतना चैनल नहीं होता था, तो प्रधानमंत्री के साथ कौन जाएगा किधर जाएगा, तो सारे बेस्ट इंडिया के जितने जर्नलिस्ट थे सब पापा जी के दोस्त, परिचित, और लोहा मोड़ रहे, पीछे से एक हाथ आता है, शक्ति का बैकग्राउंड म्यूजिक चलता है, टुन 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 टुन। क्या भाई, बाप प्रधानमंत्री के साथ आया और बेटा सरिया मोड़ रहा है, अच्छा है, अच्छा ग्रो कर रहा है ना, एकदम शक्ति पिक्चर, दिलीप कुमार अमिताभ बच्चन। कितने दिन से नहीं गए हो स्कूल? कैसे पहुंचे हो वहां? राजीव गांधी आया था, प्राइम मिनिस्टर आया था देखने के इंतजाम, एशियन गेम्स का इंतजाम, क्या चल रहा है। ओए होए होए होए, तो पिताजी को उनके साथ आना था सरकारी तौर। तो एक वो बनारस में घाट पे,
आओ पकड़े गए हैं ये वो दिन था और एक ये आज का दिन था। परेशान मैं नहीं था, परेशान पिताजी थे। घर गए पूछे कितने दिन से नहीं गए थे स्कूल। अब उसमें भी जो थोड़ा सा मिलाना नहीं चाहिए उसमें भी ये सब का है। ये बहुत जबरदस्त चीज है, ये स्लो के कुकीज हैं। अरे वाह, ये सब मिलेट से बने हैं, मोटे अनाज से। स्लो नाम है इसका, जो तुमसे रिलेटेड है। ये हम ही बनाते हैं। वाह, तो इसलिए आप इसकी टेस्टिंग करिए और हमें बताइए कैसे हैं। घर वाली बात है। एक ठेकुआ होता है, ठेकुआ छठ वट में बनता है, वैसा फ्लेवर लग रहा है। हाँ, तो पकड़े गए। पकड़े गए, पूछा कितने दिन से नहीं गए हो, तो टीचर प्रिंसिपल जानते थे पापा जी को, बोलिएगा संजय को मेडिकल लेकर के आ जाएगा तो हो जाएगा। अब उसमें भी जब महीने भर से नहीं गए, बोल दिए 15 दिन से नहीं गए, 15 दिन का मेडिकल आपके हाथ में। प्रिंसिपल के पास खड़े गए, फूल 1 महीने का मेडिकल चाहिए, तो 15 हफ्ते अब इसके लिए कौन स्ट्रगल करेगा। घर आया, मम्मी का 50 रुपया चुराया, एक गमछा लिया, छोड़ा है हम ये गलिया। अब मुझे मतलब ही नहीं है स्कूल से, स्कूल माँ बाप जो लोग मुझे सिखाएंगे मुझे उनसे मतलब ही नहीं। मुझे जो सीखना होगा लाइफ में मैं खुद सीखूंगा। अच्छा, मैं तो रह कहाँ रहे थे? अच्छा, इम्पाड़गंज में बड़े पे नहीं, छोटे छोटे दुकान में, एक ऐसा सा खुला होता है जिसपे बुढ़ऊ लोग बैठे हुए बातचीत करते हैं, लकड़ी का पीछे दुकान, वहाँ अपना लेट गए, कहीं लेट गए, स्टेशन पर लेट गए, जुआ खेल रहे थे कुछ लोग। अच्छा, ये वाला लीजिए, चॉकलेट वाला जुआ, ये ना जुआ खेल रहे थे कुछ लोग, घुस गए। हम हिंदुस्तानियों को आदत होती है ना, जहाँ 4 लोग दिमाग लगाए अपना भी लगा दो, तो घुस गए साली को अपना लगा, पैसा जीते भी। अच्छा, मतलब जुआ खेलना बुरी बात है? जरूरी बात, जो भी बात है नहीं, वहाँ सड़क पे मेरे भाई लोग जो फल वाले हैं, तल वाले हैं, अपने ही भाई लोग हुए ना, खेल रहे, जीते पैसा। मेरे पास 500 रुपये करीब आए हुए थे, ऐसा था। अच्छा, गिन गान के अपना 500 रुपया। गोल मार्केट अगर कभी तुम देखे होगे, कनॉट प्लेस के पास एक जगह है, गोल मार्केट एक चौराहा है जहाँ बड़े कबाब वबाब बनते हैं, गलीना कबाब होता था, जानते होंगे जो दिल्ली के पुराने लोग। और गलीना कबाब के चौराहे पे वो कबाब का सेंटर था, बड़े लोग आते थे खाने वहाँ। और इधर रोड क्रॉस करके ये मेरा घर था। अच्छा, अब पैसे हैं तो चलो गोल मार्केट, घर को दूर से देख लेंगे, कबाब भी खा लेंगे। मेरी एक डॉगी होती थी, बुलबुल नाम रखा था उसका, बुलबुल, वो लंबी वाली नहीं होती थी। अब वहाँ कबाब उसका भी है तो कुकरे ना उधर मांगते रहे, कुछ पता नहीं हमको देखी और रोड क्रॉस कर गई। अच्छा, अरे बुलबुल बुलबुल बुलबुल, पापा जी रोड क्रॉस किए, बुलबुल मैं कबाब खा रहा हूँ। बहुत दूर नहीं था वो, ये जिंदगी का जो ड्रामा है ना, वो बुलबुल शायद इसी काम के लिए पैदा हुआ कि उसी समय उनका वहां होना। पापा जी आ गए और इस बार मैं पकड़ा नहीं गया था। क्या खा रहे हो? कबाब। थोड़ी देर समय है तुम्हारे पास? हाँ बोलिए ना, क्या हुआ? मम्मी को देख लो आप, मम्मी की जब बात आई जाए, खा कबाब खा, खा के चलते ऐसे नहीं बोल सकते। क्या हुआ कुछ? चलो बुलबुल बुलबुल चलो चलो चलो, एकदम तुरंत घर के ही लड़का हुआ कि हम ही घुमाने लाए थे। बुलबुल मम्मी को पानी चढ़ रहा था, पापा जी के हाथ में 500 रुपये रखा, उन्होंने कहा संजय तुम क्या दिमाग है तुम्हारा यार, हम जलस हो जाते थे, सोचो तुम मम्मी का 50 रुपये लेके भागे थे, 500 रुपया लेके आ रहे 2 दिन बाद 3 दिन बाद, पढ़ते क्यों नहीं? हम गए पापा जी, ये आखिरी बयान था मेरा, हमसे पढ़ाई नहीं हो पाएगा, सीखने वाली चीज नहीं, हम अपने से जो सीखेंगे सीखेंगे। बहुत उदास बैठे थे ऑफिस में, रात में ये घटना हुई है, बहुत उदास बैठे हुए थे। तो मनोहर श्याम जोशी एक साहित्यकार हैं, सब कुछ क्या शंभु, और ये लोग ना जैसे 6 बजे बजता था ना तो ऑफिस आ जाते थे, पापा जी और शंभु सब उसी वो कहाँ शास्त्री भवन वही इलाका, संसद भवन, तो प्रेस क्लब सब उधर, तुम जो जानते ही होगे। बिल्कुल, क्या शंभु बड़े उदास लग रहे हो, क्या जोशी जी लड़का सब ठीक है मेरे, सब कुछ अच्छा है उसका,
कुंडली देखते थे वो। अच्छा, कल कुंडली लाओ तुम उसका। कहाँ फंसा रहे हो तुम इसको? अब जो लोग बिलीव करते हैं नहीं करते हैं, आई डोंट नो, कहाँ फंसा रहे हो तुम इसको? इसी शास्त्री भवन में चपरासी बन के रह जाए और भी नालायक चपरासी। एक दिन तुम इसके नाम से जाने जाओगे। आपको प्रैक्टिकली नहीं लग रहा अभी तो मैं जो जाना जा रहा हूँ, क्या करें? कह नहीं, इसको थोड़ा नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा आया था। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा आया, रीता गांगुली आई, कृष्णा सोबती आई। पापा जी के पास खजाने थे ना, कि तुम मांगो तो सही मुझसे कुछ अच्छा, मैं दूंगा तुमको। हर बाप जो खड़ा होता है, बड़े अच्छे पिताजी थे वो, उन्होंने बड़ा लास्ट में थोड़ा सा अच्छा देख लिया था उन्होंने।